आज मेरा टूर्नामेंट है और बाइक का वार्म अप स्टार्ट हो गया था, वार्म अप बाइक हो गई, तो अब मैं निकलता हूँ फिर से। तो अभी मैं निकल रहा हूँ टूर्नामेंट के लिए वसंत कुंज। अभी मुझे दो काम और करने हैं, एक तो अनमोल को साथ लेके जाना है और दो फूल माला लेनी है, और फिर निकलना है वसंत कुंज जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर है शायद, भैरोली से आगे है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जाम मिलेगा क्योंकि आज संडे है, सुबह के बज रहे हैं 8:30, लेकिन मुझे जाम कहीं नहीं मिला। और अब मैं साउथ दिल्ली में एंट्री करने वाला हूँ, अभी रेड लाइट हो रही है। वसंत कुंज पहुँचने में थोड़ा टाइम और है, अराउंड यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर बचे हैं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता तो लोकेशन लगानी थी जो कि मैंने अब लोकेशन लगा ली। अब निकलता हूँ यहाँ से, 9 बजने में अभी 10 मिनट बचे हैं और मुझे निकलना है, बाइक स्टार्ट करते हैं निकलते हैं। आगे से घूम के कहाँ से? यहाँ से। तो अभी मुझे गार्ड भैया मिले कॉम्प्लेक्स के पास, तो मैं पहुँच गया था, बट उन्होंने कहा यहाँ से एंट्री नहीं है, पार्किंग यहाँ नहीं है बाइक्स की, तो आपको घूम के जाके D2 से एंटर करना होगा। तो अब मैं D2 के लिए निकल गया, अराउंड 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर मुझे घूम के जाना पड़ेगा। ये रहा कॉम्प्लेक्स का गेट, अंदर जाके पार्क करके निकलता हूँ, लेट हो गया मैं आज थोड़ा, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं वसंत कुंज पहुँच गया, अनमोल भी आ गया, चलो चलते हैं अंदर। पार्किंग का थोड़ा इशू हुआ यहाँ पर, काफ़ी घूम के आना पड़ा। अभी अंदर चल गए, अच्छा कॉम्प्लेक्स है काफ़ी। और ये स्नैक्स बार, ये स्क्वैश कोर्ट, ये शायद जिम है, फिटनेस सेंटर, ये जिम है, ये अनमोल है। कैसे चल रहा है ठंड में आज? तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने में अराउंड 25 मिनट्स बचे हैं। ये आकाश सर हमारे ऑफिशियल, गुड मॉर्निंग, और एवरीबॉडी, ये है स्केटिंग रिंग। अभी कुछ पेरेंट्स आ गए, कुछ पेरेंट्स अभी रहते हैं, पीछे प्लेग्राउंड है, यहाँ बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा है, ये ट्रॉफीज मेडल्स। ये आज के सर्टिफिकेट्स, ये स्टूडेंट स्केटिंग के, ये PDKP के मेंबर है मेरे, ये साउथ दिल्ली के मेंबर सर, और वहाँ लगा हुआ है स्केटिंग का बैनर, जो साउथ दिल्ली ओपन रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप 2021। गगन और अनमोल की आर्टिस्टिक शुरू हो गई, चलिए देखते हैं, और जिसको पसंद आया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी।
ये रेस हो रही है अभी अंडर 7 बॉयज़ की, इसमें दो ही बच्चे हैं, काफ़ी गैप इन्होंने मेंटेन कर लिया फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे ने, बहुत अच्छा कर रहे दोनों बच्चे, इनके राउंड 3 राउंड्स हैं, फाइनल राउंड बचा है इनका और बेटा फास्ट, बहुत बढ़िया फाइनल राउंड, बहुत रिलैक्स चला रहे दोनों बच्चे। और यहाँ ओवर होगी इनकी रेस वाइट लाइन के ऊपर, और ये फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत बढ़िया, कम बॉयज़ कम, रेस स्टार्ट हो गई गर्ल्स की, अंडर 14 अंडर 11 अंडर 9 की मिक्स है, और ये खुशी फर्स्ट पोजीशन पे चल रही है, जो कि बहुत अच्छी स्केटिंग करती है, काफ़ी साल हो गए उसको स्केटिंग करते हुए। सेकंड पोजीशन पे एक और बच्ची है साउथ दिल्ली की, और थर्ड पोजीशन पे एक और बच्ची है जिसके डॉक्टर विक्स टायर्स है, खुशी के पॉइजन टायर्स है, जो कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी कितनी अच्छी स्पीड आ रही है उसकी। सेकंड पोजीशन पे निंजा टायर्स है जो साउथ दिल्ली की बच्ची है, और थर्ड पोजीशन पे डॉक्टर विच, खुशी के राउंड्स लगभग पूरे होने वाले हैं, शायद लास्ट राउंड इसका बचा है, बहुत अच्छा करते हुए इसने थर्ड वाले बच्चे को ओवरलैप भी कर दिया है, और इसकी रेस ओवर हो चुकी है। बहुत तो PDKP की टीम लेफ्ट कॉर्नर में, ये फिनिशिंग लाइन है वाइट, सॉरी हाँ मैम, अब इनकी रेस स्टार्ट होने वाली है अंडर 7 कैटेगरी, और पीयू बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए, किसी और के स्केट्स पहने हैं पीयू ने,
पीयू कौन के साथ? अब 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 स्टॉप यू, कम आराम से। कांग्रेचुलेशन यू, ठीक है दूसरे बच्चे के स्केच जरूर लेके आने। हां सेकंड गिफ्ट है टीयू सैनी अंडर 9 कैटेगरी फॉर पोजीशन गोस टू अनिता। नाउ अंडर 11 कैटेगरी बॉयज कम साइड रुद्री शर्मा, गगनदीप सिंह, द्रव्य गुप्ता, पी सरोज एंड अमोल। कांग्रेचुलेशन, व्हाट्स योर नेम? रुद्री शर्मा अनिका, कांग्रेचुलेशन अनिका, व्हाट्स योर नेम? सरोज एंड अमोल। ओ अक्षिता, अक्षिता कांग्रेचुलेशन। अच्छे से कर रहा है लगता है। आगे देखो सारे, अच्छी टेक्निक यूज करते हुए क्रॉसिंग क्रॉसिंग करते हुए और बहुत अच्छे से गगन परफॉर्म कर रहा है। फुल स्पीड उसके डब उसकी पूरी साथ दे रही है। सेकंड पोजीशन का बच्चा, थर्ड पोजीशन का बच्चा भी गिरा है जो कि अब थर्ड पे ही है और गगन इन बच्चों को ओवरलैप करने वाला है। गगन जल्दी ओवरलैप, बहुत अच्छे से रेस चल रही है इनकी और गगन ओवरलैप करने वाला है इनको। और गगन को बहुत बढ़िया गगन, ये सेकंड पोजीशन। अब ओवर थर्ड, अनमोल और गगन की रेस स्टार्ट हो गई और ये बंटी को ओवरलैप नहीं कर पा रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे चलते हुए। अनमोल सेकंड पोजीशन पे है, गगन थर्ड पे है, बंटी फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है। क्रॉसिंग करो, क्रॉसिंग। बंटी ने बहुत अच्छा वो कर लिया। ये दोनों पीछे चल रहे हैं, इनका लास्ट फाइनल राउंड रहता है। और ये बंटी फर्स्ट, अनमोल सेकंड, गगन थर्ड। कितने राउंड है आपके बॉयज? 3 राउंड। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन के लिए बच्चे इनलाइन स्केट्स में परफॉर्म करते हुए। जो फर्स्ट पोजीशन में बच्चा है उसके प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स है, सेकंड के इंटरमीडिएट है, थर्ड के भी इंटरमीडिएट है। तो प्रोफेशनल बच्चा तो फर्स्ट पोजीशन पे है, बाकी दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्टेपिंग चल रही है। प्रोफेशनल बच्चा बहुत अच्छे से क्रॉसिंग कर रहा है, टेक्निक का यूज़ कर रहा है। सेकेंड पोजिशन पर बच्चा थोड़ा देखो हो गिर गया। अप 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 बेटा, अप स्टार्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये लास्ट फाइनल राउंड था इनका, शायद इनकी पोजीशन चेंज हो गई। थर्ड वाला बच्चा सेकंड आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया बच्चों ने। ये स्केट्स है प्रोफेशनल एसआरके सिमन राणा। इनलाइन गर्ल्स कैटेगरी अंडर 11 एंड अंडर 9 मिक्स, और ये 11 की बच्ची स्पीड से करते हुए बहुत बहुत अच्छा कर रही है बच्ची। और ये सेकंड पोजीशन पे अंडर 9 की, गोल्ड मेडल जीता भी अभी, बहुत हैप्पी है, हैप्पी होके स्केटिंग कर रहा है। ये रेस पापा, ये